नमस्कार, हृदय पकवान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आटे गुड़ से बने पुआ का रेसिपी। इसके पहले मैं मैदा और चीनी का मालपुआ शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ये पुआ खास करके उनके लिए है जो चीनी और मैदा अवॉइड करते हैं, उनके लिए एकदम परफेक्ट है। ये तो पुरानी, बहुत पुरानी रेसिपी है बिहार यूपी की, जो ज़्यादातर वहाँ पूजा त्यौहार में बनाई जाती है। लेकिन ये आटे गुड़ की रेसिपी जो है हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग के लिए परफेक्ट। इस कटोरी से मैं नाप करके देखिए, दो कटोरी में आटा ली हूँ, गेहूँ का नॉर्मल आटा जिससे अब रोटी बनती है। अब जिस कटोरी से नापिएगा उसी से सब कुछ नापना है। और दो कटोरी आटा ली हूँ तो उसका हाफ एक कटोरी गुड़ ली हूँ और एक कटोरी पानी ली हूँ। उसके बाद मैंने इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसको सूखे नारियल को ग्रेट करके रख लूँ। ये देने से पुआ बहुत अच्छे, बहुत टेस्ट अच्छी बनती है, टेस्टी और लजीज बनेगी, अच्छा टेस्ट। उसके लिए मैं दो बड़े चम्मच से चावल आटा ली हूँ जिससे पुआ जो है बहुत क्रिस्पी बनेगा। मोटा सौंफ एक चम्मच बड़े चम्मच से और दो तीन इलायची के पाउडर, इन सब चीज़ों को देख करके मैं पुआ के घोल तैयार करूँगी। अब देखिए चूल्हा को ऑन करके सबसे पहले बाउल में पानी ली थी, पानी डाल दे रही हूँ। पानी लें उतना गुड़ लेना, उतना ही पानी लेना। अब मैं इसमें गुड़ डाली, गुड़ को सिर्फ समझिए मेल्ट करना, चाशनी नहीं बना, बस मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं चूल्हा को ऑफ कर दूँगी, धीरे धीरे करके गुड़ बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। जब तक देखिए गुड़ मेल्ट हो रहा तब तक मैं यह सब चीज़ आटा मिक्स कर रही हूँ। चावल आटा देखिए ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकती। मोटा सौंफ, दो इलायची के पाउडर, ये सबको तब तक मैं मिक्स कर रही हूँ। इन सब सामग्रियों से मिला करके अगर पुआ बनाइएगा तो बहुत टेस्टी पुआ बनेगा। देखिए गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब मैं इसे चूल्हा को ऑफ कर दे रही हूँ और पंखा के हवा में ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। मेल्ट किया हुआ गुड़ देखिए मैं पंखा के हवा में ठंडा कर ली। अब इसका डाल करके मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। एक साथ पूरे गुड़ को नहीं डालना है, नहीं डालने से आटे में गुठलियाँ पड़ जाएगी, लम्प सब जाए। धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके डालना है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको बैटर तैयार करना है। बचे हुए गुड़ को मैं इसमें डाल दे रही हूँ, डाल करके अच्छी तरह इसको मिक्स करना, बैटर तैयार करना। देखिए थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ, क्या बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। अब मैं डाल करके इसको इडली के बैटर की तरह इसको तैयार करूँगी। मैं ये घोल को देखिए फिर इडली के बैटर का तरह तैयारना और इसको काफ़ी देर तक फेंटना एक ही डायरेक्शन में। जितना ज़्यादा फेंटिएगा उतना ही अच्छा पुआ आपका नरम सॉफ्ट भी होगा और फुला फुला होगा एकदम गुब्बारा की तरह। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको फेंटना एक ही डायरेक्शन में। देखिए बिल्कुल इडली का बैटर का तरह बन गया, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। अब देखिए बिल्कुल तैयार है घोल। इसके बाद मैं 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट में दे देंगे। देखिए 15 मिनट हो गया घोल को तैयार हुए, बिल्कुल घोल फ्राई करने के लिए तैयार है। पहले देखिए तेल डाली हूँ मैं रिफाइंड तेल और इसे मैं डाल करके देख रही हूँ क्या तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अब बिल्कुल अब फ्राई करने लायक तेल गर्म हो चुका। अब तेल देखिए बिल्कुल गर्म हो चुका। और बड़े चम्मच से एक चम्मच मैं इसमें घोल डालूँगी मैं, और घोल को एकदम नज़दीक से डालना, ज़्यादा दूरी से नहीं डालना। देख लिए एकदम चम्मच को तेल के नज़दीक डाल करके इसको डालना है। अब चारों तरफ से देखिए लड़के सहायता से तेल ऊपर में डालते रहना है। डालने से एकदम पुआ जो है एकदम गुब्बारा की तरह फूल जाएगा आपको। देखिए इसको ब्राउन हो गया, ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना। इसको मैं उलट दी हूँ और देखिए कितना अच्छा गुब्बारा की तरह पुआ फूला। इससे पता चलता है कि घोल आपका एकदम परफेक्ट है। जितना ज़्यादा फेंटिएगा उतना ही अच्छा आपका पुआ फूलेगा भी, सॉफ्ट भी होगा और क्रिस्पी भी होगा। मीडियम फ्लेम में करना है, ज़्यादा हाई में नहीं करना। स्टार्टिंग में शुरू में आप हाई फ्लेम में दीजिएगा, उसके बाद मीडियम कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा ऊपर से ब्राउन हो जाएगा।
दूसरा बोले अभी पुआ में दिखा रही हूँ, एकदम नज़दीक से लेकिन डालना है इसे। और उसके चम्मच से सहायता से उसमें तेल डालते रहिए, तेल डालने से बहुत जल्दी फूलेगा, एकदम फुलाब फुलाब का पुआ बनेगा। जब पुआ पुआ फूल जाए तब इसे उलटना है, एकदम गोल्डन ब्राउन की तरह इसको फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा गर्म पुआ बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे मैं बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दी हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे आप मेरे रेसिपी से बनाइएगा तो पुआ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप ताज़ा गर्म खाइए तब भी अच्छा लगेगा, और बासी खाइएगा और भी अच्छा लगेगा। दोनों तरह से आप खा सकते हैं, गर्म भी और ठंडा भी। बड़े बच्चे सब पसंद से ये खाएंगे। कभी भी कोई ओकेजन हो, पूजा हो, इस आटे गुड़ के पुआ बना करके ला सकती हैं। और पसंद आवे मेरा रेसिपी तो ज़रूर ज़रूर से मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर से मैं नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।